बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 7-8 नंबर का सम एक्सरसाइज है हमारा 5.2। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या डिस्कस करना है, 7 नंबर का सम। तो 7 नंबर के सम में क्या इंफॉर्मेशन है बच्चों, तो उसमें दिया हुआ है फाइंड आउट द 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म इज 38। हमें बोला गया है A11, और उसके बाद बोला गया है बच्चों आगे पढ़ते एंड द A16 टर्म इज 73। तो आपको दो टर्म बोली गई है और उसका दिया हुआ है, मतलब आपका AN भी दिया हुआ है और उसके टर्म का वो टर्म भी दी हुई है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इक्वेशन दोनों लिखेंगे और उसके बाद एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हम A एंड D फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिखते हैं। तो आप बोलोगे सर सम नंबर 7 है जो बोला गया है कि आपको A31 फाइंड आउट करना है। इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है कि आपको बोला गया है A11 जो है वो 38 है और आपको बोला गया है सर A16 जो है वो 73 है। तो बच्चों इसके साथ आप बोलोगे सर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं AN की फॉर्मूला आपको बच्चों क्लियर है, AN इज इक्वल टू A+N-1D। तो आप बोलोगे सर इसमें सिंपल आगे बढ़ेंगे, AN जो है हमारे में है कितना 11, तो आप 11 लिखोगे A की जगह A, 11 N की जगह और D। आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है वो 38 है A 10-D और इसको 1 लिख देंगे। जैसे 1 लिख देंगे इसके बाद बच्चों आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है A16 A+16-1D, तो आप बोलोगे सर 73 A और यहाँ पे 15D। और जैसे ये होता है आप बोलोगे सर ये इक्वेशन 2 आ गया। अभी आप लिखोगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों तो क्या होगा, यहां लिखोगे सबसे पहले 73 A प्लस 15D और यहां पे हो जाएगा 38 और यहां पे A और यहां पे 10D। आप बोलोगे सर साइन चेंज करनी पड़ेगी, माइनस 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 तो A कट हो जाएगा। इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे बच्चों ध्यान में रखना है 15 में से 10 जाएगा तो प्लस 5D आएगा, यहाँ पे बोलना है 35/5 तो हो जाएगा D इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर 7 हो जाएगा। D जैसे 7 होगा इसके बाद आप बोलोगे सर पुट A इज D इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1 में डाल देंगे। इक्वेशन 1 में डालेंगे तो बच्चों आप बोलोगे सर यहाँ पे कौन सा इक्वेशन 1, ये रहा हमारा 38 A प्लस 10D, 38 की जगह तो 38 ही रहेगा, D की जगह बच्चों आप बोलोगे सर 10 और ये 7 और A हमें ढूंढना है, तो आप बोलोगे सर 38 ये A और ये 70, 38-70 तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा, समझने के लिए यहाँ से ही करेंगे तो आप बोलोगे सर ये 10 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ये 2 और ये 3, 32 माइनस में हो जाएगा। जैसे 32 आ जाएगा बच्चों इसके बाद आप बोलोगे सर AN इज इक्वल टू A+N-1D, आप बोलोगे सर A है -32, यहाँ पे बोला गया था कि आपको 31 ढूंढना है तो 31-1 और D जो है वो 7 है, तो आप बोलोगे सर 32 ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 7, ये 32 आप बोलोगे सर 210 में से आप बोलोगे सर पहले 10 जाएगा तो होगा 200, बाद में 20 जाएगा तो 280, इसमें से 2 जाएगा तो आप बोलोगे 278 लेकिन प्लस में होगा। बच्चों इसके साथ हमारा जो 7 नंबर का सम था वो कंप्लीट हो गया। मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे पॉज करो और पूरा अच्छी तरह लिख लो, क्योंकि ये सम अच्छा है, ये एग्जामिनेशन में आने के लिए बहुत परफेक्ट है, तो आप पहले लिख लो उसके बाद हम आगे जाएंगे। यहाँ एक बच्चों लिखने में छोटी सी गलती होगी, यहाँ 1 आएगा बस, वो बाकी सब कुछ सही है। बच्चों अभी आगे चलते हैं, आप बोलोगे सर 7 के बाद 8 वाला सम, तो 8 टर्म में मतलब सम में क्या दिया हुआ है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। तो आपको बोला गया है कि सर ये जो एपी है उसका टोटल जो है वो 50 टर्म है और थर्ड टर्म जो है वो 12 है। आगे चलते हैं एंड द लास्ट टर्म इज 106 बोला गया है, फाइंड आउट द 29 टर्म आपको ढूंढनी है। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो सिंपली हमें इंफॉर्मेशन दे के ही रखा हुआ है,
तो आप बोलोगे सर नंबर एट में सर आप बोलोगे सर लिखो सबसे पहले थर्ड टर्म जो ए थ्री है वो 12 है, बाद में आप बोलोगे सर ए फिफ्टी जो है वो कितनी है 106, क्योंकि लास्ट टर्म भी बोला गया है और लास्ट टर्म हमें पता है कि ये टर्म जो है ये जो एपी है उसका जो लास्ट टर्म है वो 50 है और लास्ट टर्म कौन सा है तो आप बोलोगे सर 106 है। आप बोलोगे सर इसके बाद हमें ढूंढना है 29 टर्म ढूंढना है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ए 29 क्वेश्चन मार्क एन हम लिखेंगे बच्चों तो ए प्लस एन माइनस वन डी, ए थ्री आप लिखोगे ए की जगह ए यहाँ 3-1 और डी की जगह डी, आप ए थ्री की जगह 12 a 2d, ये हमारा फर्स्ट टर्म आ गया। जैसे फर्स्ट टर्म मतलब एक इक्वेशन आ गया इसके बाद हम आगे चलते हैं तो आप बोलोगे सर ए 50 यहाँ पे ए यहाँ पे होगा 50-1d तो आप बोलोगे सर 106 a 49 d और ये इक्वेशन 2 आ गया। जैसे इक्वेशन 1 और 2 आ गया तो आप लिखोगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, हम पहले 2 में से 1 माइनस करेंगे क्योंकि 2 बड़ा है इसलिए 106 a प्लस 49 d। आप बोलोगे सर यहाँ पे 12 और यहाँ पे कितने लिखेंगे बच्चों तो आप बोलोगे सर इसके करने से होगा a प्लस 2d तो आप बोलोगे सर माइनस 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 यहाँ पे 12 माइनस करना है तो पहले 6 जाएगा तो 100 और बाद में 6 जाएंगे तो 94 यहाँ पे करेंगे तो बच्चों होगा कितना ये a कट हो जाएगा यहाँ पे होगा 47 आगे बढ़ेंगे तो 94 डिवाइड बाय 47 बच्चों होगा 47 इंटू 2 करोगे तो ये होगा आप बोलोगे सर 94 तो 2 से ही हो जाएगा तो आप भी बोलोगे सर यहाँ पे लिखो 2d 2 इज इक्वल टू डी तो जैसे आप ये हो जाता है तो आप बोलोगे पुट डी इज इक्वल टू टी डी इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 तो 1 में हम डालेंगे तो इक्वेशन 1 है 12 a प्लस 2d 12 की जगह तो 12 ही रहेगा a की जगह आप बोलोगे सर a तो हमें पता नहीं है 2 की जगह 2 और d की जगह आप बोलोगे सर 2 डाल दोगे तो यहाँ पे होगा 4 12-4 तो a इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। जैसे a इज इक्वल टू 8 आया तो आप बोलोगे सर अभी कौन सा ढूंढना था 29 तो n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d तो आप बोलोगे सर ये a 29 है ये 8 है ये 29-1 और d की जगह आप बोलोगे सर सिंपली 2 रखना है तो आपने रख दिया यहाँ 8 28 इंटू 2 तो आप बोलोगे सर 28 इंटू 2 तो आप बोलोगे सर ये 16 ये होगा 56 आप बोलोगे सर 56 होगा 64 फाइनल आंसर मतलब ए 29 जो आपका होगा वो 64 होगा। बच्चों बहुत सिंपल है समझ में आ रहा है हमने कितने सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप किया। अब ये आपको एलिमिनेशन मेथड भी आनी चाहिए यहाँ ये चैप्टर में कई बच्चों को वो भी दिक्कत आ सकती है जिसके कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे उनके लिए डिफिकल्ट होगा। बच्चों ये शांति से पॉज करके अच्छी तरह लिख लो अभी हम आगे जाएंगे। सम नंबर आपके हिसाब से होगा 9 और 10 वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 8 लेक्चर में तब तक के लिए ये पॉज करके अच्छी तरह लिख लीजिए बच्चा मिलेंगे अब नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। और बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।